So this is paradise. ग्रिशायेगर एक इंसान जो एक रेवोल्यूशन में हार कर अपने आप को दूसरे रेवोल्यूशन में पाता है। उसकी जिंदगी गुलामी और आजादी के बीच में फंसी रही। वो लड़ता रहा उस आजादी के लिए जिसे वो कभी देख भी नहीं पाया। On your feet, Dad. You're not done yet. In case you've forgotten, you have your own reasons for coming. एरिन और जीक की परवरिश के बीच में ग्रिशायेगर ने बहुत फर्क रखा था। जहाँ एक बच्चे से आजादी छीन ले गई थी और उसे वो बनाया गया था जो वो नहीं बनना चाहता था, वही दूसरे बच्चे को वो सारी आजादी दी गई थी जो वो बनना चाहता था। बट ऑफ कोर्स वही बच्चा आगे चल के वही मॉन्स्टर बनता है जो इंसानियत को खत्म करता है। थ्रू आउट हिस्ट्री, दिस टाइटन्स मार्च्ड इन द वैनगार्ड। इट हैज एवर पुश्ड फॉरवर्ड, सीकिंग फ्रीडम, एंड फॉर फ्रीडम्स सेक इट फाइट्स। देयरफॉर It's called the Attack Titan. Ever since the day I first kicked a Patriot off this wall, we've known that we'd have to keep fighting. Keep moving forward. Even in death. Even after. Even if you die. Even after you die. आप कैसे उस इंसान को ब्लेम करें जिसकी बहन को कुत्तों को खिला दिया गया था जस्ट बिकॉज वो एक दूसरे रेस से थी? आप कैसे उस इंसान को ब्लेम करें जिसके अपने ही बच्चों ने उसे धोखा दिया? आप कैसे उस इंसान को ब्लेम करें जिसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी मॉन्स्टर बन गई? पर इसका ये मतलब नहीं है कि ग्रिशायेगर पूरी तरीके से फॉल्टलेस था, और यही चीज उसे बनाती है इस कहानी का रचयिता, द मास्टर ऑफ अटैक ऑन टाइटन। थिंक ऑफ योर स्लॉटर्ड कॉमरेड्स, ऑफ क्रूगर, ऑफ डाइना, अवेंज देम। After all, this whole ugly story started with you. Please, Zeke. You have to stop Aaron.